नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वैलेंटाइन डे प्यार और रोमांस का पर्व माना जाता है, लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूं कि आपका ये त्योहार आपके रिश्ते को तोड़ने का काम कर रहा है। आज की इस वीडियो का फोकस खाली इमोशनल तौर पर नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, इसके पहलू हैं, उस पर भी हम नज़र डालेंगे और बात करेंगे आपके रिश्ते के उस पार्ट के बारे में जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आपके किसी भी रिलेशन पर इम्पैक्ट करता है और हम उसके पीछे की कहानी नहीं समझ पाते। इस वीडियो को शांत दिमाग से और पूरा सुनिए। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव किसी की रिलेशनशिप पर सवाल उठाना नहीं है और ना ही वैलेंटाइन डे के विरोध या इसको किसी तरह का बढ़ावा देने का मेरा कोई इरादा है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके समझ में आ जाएगा कि कैसे एक गैर जरूरी चलन को हम लोगों ने अपने जीवन का इतना अहम हिस्सा बना लिया, इतना मेजर पार्ट बना लिया है कि ये हमारे अच्छे खासे रिश्ते को तहस नहस कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि वैलेंटाइन डे रिश्तों को जोड़ने की बजाय तोड़ जा रहा है, इससे आपकी रोमांटिक लाइफ बिगड़ रही है। सिंगल लोग तनाव में आते हैं और कई कपल्स रिश्ते के बोझ के नीचे दबकर इसे खत्म करने तक की सोच लेते हैं। कैसा लगेगा आपको मेरी ये बात सुनकर? जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है। ये बात खाली मैं नहीं बल्कि कई साइकोलॉजी रिसर्च में भी मनोवैज्ञानिकों ने कही है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। वैलेंटाइन वीक बीत गया है, इन 7 दिनों में चॉकलेट से लेकर रोज प्रपोज, किस और प्रोमिस डे जैसे दिन आए और 7 दिनों तक इन 7 रस्मों को बकायदा मनाने वाले कपल्स खुद को प्रेम का पुजारी मान बैठे और जो ऐसा नहीं कर पाए वो अपने रिश्ते में नीचा महसूस कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। दोस्तों, रिश्ते के अंदर भावनाओं का बहुत अहम रोल होता है और हद से ज़्यादा उम्मीद, प्यार या प्यार का दिखावा और सोशल मीडिया की मार्केट की इन्फ्लुएंस आपके रिश्ते को एक बोझ बना सकता है। और ये बात मैं नहीं बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में भी पाई गई है। ऐसी सिचुएशन को साइकोलॉजी में रिलेशनशिप फटीग यानी रिश्ते से थक जाना या ऊब जाना कहते हैं। ऐसे में पार्टनर को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता और ऐसी सिचुएशन या हालात का कारण होते हैं जब आप अपने पार्टनर को रिझाने के लिए शुरू शुरू के दिनों में ऐसी रस्में अदा करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्हीं रस्मों और तामझाम की वजह से आपका रिश्ता थकावट भरा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन का जश्न सिंगल लोगों को हीन भावना से ग्रस्त कर देता और वो खुद को कमतर या कमजोर मानने लग जाते हैं और एंग्जाइटी और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें खासकर पुरुषों पर मार्केट में चल रहे ट्रेंड का बहुत प्रेशर होता है और अक्सर किसी भी एक रिश्ते में एक पुरुष की भूमिका एक प्रोवाइडर की तरह होती है कि हाँ भाई, टेडी डे आ गया, एक पुरुष ही उसको लाके देगा। भले ही पुरुष बेचारा पूरे दिन थक हार कर ऑफिस से निकला हो, उसकी मेंटल हेल्थ से किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन टेडी लाने की जिम्मेदारी पुरुष की ही होगी। सोच कर देखिए, 90% महिलाओं कि यही उम्मीद रहती है कि रिश्ते में प्यार प्रेम की सारी रस्में पुरुष ही पूरा करे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी तो वैसे ही उसके कंधों पर होती ही है, क्योंकि परिवार को अच्छे से चलाने के लिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए उसको कमाना ही होगा। उसकी मेंटल हेल्थ का या फिजिकल हेल्थ का किसी को कोई ख्याल नहीं होता और एक समय के बाद उसका पार्टनर भी कमाई और दिखावे को ही प्रायोरिटी देने लगती है। अक्सर ऐसे समय पर इस बात को किनारे कर दिया जाता है कि इन सब को पूरा करने के लिए जेब पर कितना बोझ पड़ता है और जब जेब इन सब रस्मों को पूरा करने जितनी भारी नहीं होती तब आदमी के मन पर बोझ बढ़ता है और इन दोनों ही मामलों में टेंशन का जन्म होता है जो रिलेशनशिप फटीग को जन्म देती है। दोस्तों, अक्सर महिलाएं पुरुष पार्टनर से जरूरत से ज्यादा उम्मीद पाल लेती हैं, दूसरों के साथ अपने रिश्ते को कंपेयर करने लगती हैं। अब चूंकि मैक्सिमम केसेस में सबको पता होता है कि महिला को सब कुछ एक पुरुष ने ही दिया होता है, इसलिए कंपैरेटिवली महिलाओं को मान सम्मान भी कम मिलता है जिसके चलते रिश्ता बिगड़ने लग जाता है। दोस्तों, अमेरिका में 245 कपल्स को लेकर एक सर्वे किया गया और उसका रिजल्ट ये आया कि वैलेंटाइन वीक और इसकी रस्में आपके अच्छे भले और मजबूत रिश्ते को कमजोर कर सकती हैं। मनोवैज्ञानिक कैथरीन मार्च और स्टीव न्यूबर्ग्स ने 245 रोमांटिक कपल्स पर 2 वीक तक स्टडी की और इस स्टडी के दौरान वैलेंटाइन से पहले और उसके बाद के आंकड़े जुटाए गए। रिजल्ट में सामने आया कि जिन कपल्स के रिश्ते वैलेंटाइन वीक से पहले सही चल रहे थे, वैलेंटाइन सेलिब्रेशन के बाद उनके रिलेशनशिप क्वालिटी में गिरावट देखी गई। वैलेंटाइन सेलिब्रेशन के बाद उनकी रिलेशनशिप की जो क्वालिटी थी उसके अंदर गिरावट देखी गई और कुछ मामलों में ब्रेकअप तक हो गया। दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वैलेंटाइन वीक आने को होता है, टीवी और सोशल मीडिया पर एक आदर्श रिश्ते के जो स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए ये सब कर रहा है तो आपका रिश्ता सही है और अगर नहीं कर रहा है तो आपको इस रिलेशनशिप के बारे में
सोचने की जरूरत है। ये जो हवा खड़ा किया जाता है मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, उनको देखकर कुछ कपल्स अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं और मान लेते हैं कि उनके रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई है, नहीं तो वो भी ऐसे ही कर सकते हैं। बस यहीं से आपके रिश्ते के रोमांस की सुई मुड़नी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कपल अपने रिलेशन की इनिशियल स्टेज पर है, अभी वो दोनों एक दूसरे को समझ ही रहे थे कि वैलेंटाइन वीक आ गया। अब ऐसी सिचुएशन में प्रपोज डे के दिन पार्टनर्स प्रेशर में आकर प्रपोज कर देंगे, भले ही उनका रिलेशन अभी उतना मैच्योर ना हुआ हो कि ऐसा कोई डिसीजन लिया जा सके। अब इसी तरह से किस डे, टेडी डे और हग डे की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और ये सब रस्में रिलेशन के गणित को बिगाड़ देती है, क्योंकि अननेसेसरी जो इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होगा उसके दिमाग पर, दिल पर तो बोझ बनेगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में एक शब्द यूज किया है, रिलेशनशिप फटीग। इसका मतलब है रिश्ते से थक जाना। जब एक ही इंसान, एक ही चेहरा, एक ही जैसे हाव भाव और प्यार के दिखावे और उससे बने माहौल से उब जाता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पार्टनर्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स और रोज रोज के झगड़े की वजह से भी रिलेशन से थक जाते हैं, और ठीक ऐसा ही देखने को मिलता है वैलेंटाइन वीक के दौरान। वैलेंटाइन वीक के सेलिब्रेशन वाले माहौल में कपल्स के ऊपर फॉल्स इंप्रेशन हावी हो जाता है। दूसरों को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता शायद उतना बेहतर नहीं है, इसमें कुछ तो कमी रह गई है, और वहीं दूसरी तरफ इन लोगों का रिश्ता पहले से ही गड़बड़ में चल रहा है, ट्रस्ट इशू हो तो ऐसे रिश्ते के लिए वैलेंटाइन वीक ताबूत की आखिरी कील साबित होता है, क्योंकि मुश्किल हालात से गुजर रहे रिश्ते वैलेंटाइन वीक की ओवर हाइप और फॉल्स इंप्रेशन के दबाव को नहीं झेल पाते और टूट जाते हैं। अब ये सब सुनकर जाहिर सी बात है कि आप लोग कहेंगे कि मैं सारी ही नेगेटिव बातें कर रहा हूं वैलेंटाइन डे को लेकर। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोगों को समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। दिक्कत इस वैलेंटाइन डे में नहीं है, बल्कि इसको सेलिब्रेट करने के तरीकों और मार्केट हाइप में है। अगर वैलेंटाइन को रोमांस बूस्टिंग के तौर पर लिया जाए, दूसरे कपल से अपने रिलेशन की बेवजह की तुलना से बचा लिया जाए, और मार्केटिंग कंपनीज ने जो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए रस्में बनाई हैं और मार्केट में झूठे दिखावे के जरिए कपल्स पर जो फॉर्मेलिटीज का दबाव बनाया गया है, अगर आप उन सब फॉर्मेलिटीज से बचे रहे तो ये आपके रिश्ते के लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि हम प्यार को प्यार ही रहने दें, किसी को देख कर या मार्केट में कंपनीज के बनाए रीति रिवाज से उस प्यार को बोझ में ना बदलें। हमें यह समझना होगा कि जरूरत से ज्यादा प्यार भी रिश्ते में घुटन पैदा करता है, और ऐसी सिचुएशन में कोई एक पार्टनर प्यार का दबाव झेल नहीं पाता और रिश्ता तोड़ लेता है। हर समय प्यार में डूबे रहना अच्छा नहीं होता, कई बार ये बैकफायर भी कर जाता है। ऐसे समय में रिश्ते को एक पॉज या एक छोटे से ब्रेक की जरूरत होती है। इसे ब्रेकअप कहना सही नहीं है, बस रिश्ते को हेल्दी रखने के लिए कुछ समय का पॉज लिया जाता है, जिसमें दोनों पार्टनर्स की बराबर की रजामंदी होती है, सहमति होती है। लेकिन दिक्कत यहां भी है, हम लोग मानसिक रूप से इतने कमजोर हो गए और इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट इश्यू के कारण ये भी नहीं कर पाते, जिसका नतीजा कई बार बेहद खतरनाक होता है। दोस्तों, मेरी यही सलाह है, संभल कर रहिए, क्योंकि आजकल कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। वो आपके दिल, दिमाग, रिश्ते और इमोशंस, इन सब पर इंपैक्ट डाल रही है, जिसके झांसे में तकरीबन हर वो व्यक्ति फंसा हुआ है जिसके हाथ में स्मार्टफोन है। ख्याल रखिए और समझिए, हकीकत और दिखावे में बहुत फर्क होता है। नमस्कार।